साहब ने चेस खुश आमदीद करा बुझे साहब पीएचडी स्कॉलर बुझे पीएचडी करा फैसल साहब उस सोस अख जी इज्जत बाशूर पोस्टस पे आज क्या जरूरत पे पॉलिटिक्स मजीन आज क्या जरूरत पे कि अस करो ये सियासी मुहिम शुरू अस चे वचन आज चो अख कानून दिल मज लागू गसन अख कानून चे ये लागू गसन कशीर मज अस चे वचन अख कानून दिल मज अख कानून यत मज अस चो कानून फॉलो करनस मज का प्रॉब्लम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कानून फॉलो करने में लेकिन कानून एक होना चाहिए अ कोई कानून कुने कानून गोस तत लागू गसन कुने कानून गोस यत लागू गसन हमारे भाई जो रजौरी से आए हैं पुंछ से आए हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम उर्दू में बोलें तो मैं उर्दू में ही बोलती हूँ बहनों भाइयों हम सब लोगों को सड़क की बहुत जरूरत है बिजली की बहुत जरूरत है नौकरी की जरूरत है पार्कों की जरूरत है स्कूलों और अस्पतालों की जरूरत है हमें ये सब चीजें चाहिए हम किसी चीज से इनकार नहीं कर रहे हैं हम लोग डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे लेकिन ये सारी चीजें सड़क बिजली पानी हमें इज्जत के साथ चाहिए हमें अपना सर ऊंचा रख के चाहिए सर नीचा करके नहीं चाहिए हमारी आवाज बुलंद और हमारा सर बुलंद रहेगा तब हमें ये सब चीजें चाहिए हमारी कोशिश रही तो यही रहेगी हमारी पार्टी की कोशिश यही रहेगी कि मसले कश्मीर के हल के लिए हम लोग जमीन हमवार करें हम लोग इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा करें कि मसले कश्मीर का पुरअमन हल एक ढूंढा जाए और हमारे लोग जो इस हमारी ये जो हमारी पाक सरजमीन है इस पर कोई भी किसी का भी खून इस सरजमीन पर ना बहे हमारी यही कोशिश रहेगी हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनके साथ में आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से जुल्म हुआ हमारे ताजिर जो बाहर जाते हैं तिजारत करने के लिए उनके साथ हमने देखा कि किस तरह से जुल्म हुआ जब हमने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई जब हम इसके खिलाफ एकजुट हुए उस वक्त मेरे ऊपर एक एफआईआर डाल दिया गया मेरे ऊपर उत्तराखंड में एक एफआईआर डाल दिया गया लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे हजार मंजूर है हमें ऐसे 100 एफआईआर मंजूर है लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे लोग जब बाहर पढ़ने जाते हैं तिजारत करने जाते हैं उनके साथ ज्यादतियां नहीं हो हमारे ऊपर हम 100 एफआईआर बर्दाश्त करेंगे लेकिन हमारे लोगों कि किस तरह से स्टूडेंट्स पर जुल्म किया गया उन पर सेडिशन लगाया गया उनको अरेस्ट किया गया लेकिन हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया हमने एक मुहिम खड़ी की जिससे मोदी हुकूमत का पर्दाफाश हुआ उनकी एक एक गलती को हम लोगों ने एक्सपोज किया और हम लोग यहां भी एक मुहिम छेड़ने आए हैं ये मुहिम किस चीज के लिए है ये मुहिम अमन और तरक्की के लिए है ये मुहिम हमारे कौमी वकार के लिए है ये मुहिम हमारी डेवलपमेंट के लिए है ये मुहिम हमारी एकजुट के लिए है हमारी एकता के लिए है मैं अपनी सभी बहनों से खासकर बहनों से और माओं से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप सामने आए ये पार्टी आपकी है ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है जहाँ पर औरतों को अपना हक नहीं मिलता हम जानते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सफ़र किया है वो औरतों ने किया है हम देखते हैं किस तरह से औरतों ने अपने शौहर खोए किस तरह से अपने बेटे खोए हम चाहते हैं कि औरतें ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस पार्टी में शिरकत करें मैं दावत देना चाहती हूँ हमारे नौजवानों को हमारे तालिबे इल्मों को जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं